हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। आज 21 दिसंबर का करंट अफेयर्स है। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन है, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर और 21 दिसंबर। इसका सही जवाब होगा 20 दिसंबर। दोस्तों, 20 दिसंबर 2002 को विश्व एकजुटता कोष स्थापना हुई थी। वैसे इसका उद्देश्य डेवलपिंग कंट्री में गरीबी उन्मूलन एवं सबसे गरीब क्षेत्रों में मानव और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाने को घोषित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार कर लिया है? चार ऑप्शन है, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और यस बैंक। इसका सही जवाब होगा HDFC बैंक। दोस्तों, HDFC बैंक ने इंट्राडे ट्रेडिंग में $100 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली देश की तीसरी कंपनी बन गई है। इससे पहले $140.74 बिलियन रिलायंस इंडस्ट्री और दूसरा टाटा कंसल्टेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $114.60 बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तारे का नाम बताइए जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजा गया है। चार ऑप्शन है, सारजा, बार्जिल, सुजान, सप्तम। इसका सही जवाब होगा सारजा। इस तारे को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इस तारे का नाम रखा है। दोस्तों, सारजा जो नाम है इसे एक तारे को दिया गया है, वहीं दूसरा एक ग्रह भी खोजा गया है, उसका नाम बार्जिल रखा गया है। इन दोनों का नाम आप याद जरूर कर लेना। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? चार ऑप्शन है, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, शहबाज नदीम, जसप्रीत बुमराह। इसका सही जवाब होगा कुलदीप यादव। उन्होंने ये कमाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में किया है। इस मैच में इंडिया 107 रन से ऑस्ट्रेलिया से जीत गई। कुलदीप यादव 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ICC ने साल की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया है? ICC ने साल की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया है? चार ऑप्शन है, एलेक्स ब्लैकवेल, जूली हेस, एलिसे पेरी, एम्मा सैमसन। इसका सही जवाब है एलिसे पेरी। उन्हें ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में साल की T20 खेल में उत्कृष्ट खेल के लिए मिला है। इन्होंने 101 T20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 1809 रन बनाए हैं। एलिसे पेरी ऑस्ट्रेलिया से हैं। इस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन हर रोज पूछा जाएगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार देने की घोषणा की है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीच ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना परसेंट कर दिया है? क्वेश्चन है, फीच ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना परसेंट कर दिया है? चार ऑप्शन है, 3.2%, 4.6%, 4.9% और 3.6%। इसका सही जवाब है 4.6%। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फीच ने 2019-2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 5% से घटाकर 4.6% कर दिया है। फिच का मानना है कि इस वक्त भारत की कंपनियां एवं कस्टमर का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। ये इंडिया के लिए बहुत ही बुरी खबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के चेयरमैन 2020 में अपना कार्यकारी पद छोड़ेंगे? चार ऑप्शन है, रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका सही जवाब है महिंद्रा एंड महिंद्रा। दोस्तों, आनंद महिंद्रा 2020 में महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन पद को छोड़ देंगे। उन्होंने ये बातें 20 दिसंबर को जारी एक बयान में कही। वहीं पवन गोयनका महिंद्रा एंड महिंद्रा के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे और आनंद महिंद्रा कंपनी के गैर कार्यकारी चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य ने महत्वाकांक्षी जलसाथी कार्यक्रम का आरंभ किया है? क्वेश्चन है, किस राज्य ने महत्वाकांक्षी जलसाथी कार्यक्रम का आरंभ किया है? चार ऑप्शन है, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ओडिशा। सुरक्षित पेयजल सभी घरों को मिले, इसके लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें महिला स्वयंसेवक कार्य करेंगी। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 5,000 महिलाएं कार्य करेंगी, जिसे जल साथी के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, ये था 21 दिसंबर का करंट अफेयर्स। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।